डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इससे रिलेटेड भी इंतहाई अहम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, दैट इज अबाउट द जीरो पोटेंशियल पॉइंट। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होती है बिटवीन चार्जेस, यानी जीरो फील्ड लोकेशन हमने फाइंड की। आज हम फाइंड करना चाहते हैं जीरो पोटेंशियल लोकेशन या जीरो पोटेंशियल पॉइंट, कि जब हम दो चार्जेस लेंगे तो उनके दरमियान पोटेंशियल कहां जीरो होगा। हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस को लेकर चलेंगे। जैसे अगर मैं सिंपल केस की बात करूं तो दो सेम चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होगा अगर दोनों चार्जेस नेचर भी सेम रखते हैं और अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर दो चार्जेस ऑपोजिट नेचर रखते हैं बट मैग्नीट्यूड सेम है तो उन दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। ये हम जनरली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्रेशंस के जरिए दिखाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दो डिफरेंट चार्जेस हों और मैग्नीट्यूड्स भी डिफरेंट हों और फिर हमसे सवाल करें कि बताएं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां जीरो होगा, तो ये हमारे लिए एक अहम टास्क है। इसका सोल्यूशन हमें आना चाहिए और आज हम इसके शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम विद इन 2 मिनट्स और विद इन 1 मिनट कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, कह रहा है कैलकुलेट दी जीरो पोटेंशियल पॉइंट और लोकेशन इन बिटवीन डिफरेंट चार्जेस। अगर हम डिफरेंट चार्जेस कंसीडर करते हैं तो उन डिफरेंट चार्जेस के दरमियान जीरो पोटेंशियल पॉइंट कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो हम यहां कंसीडर करते हैं कि अगर चार्जेस सेम हो, सेम चार्जेस अगर हम कंसीडर कर लें, वो सेम चार्जेस जिनके मैग्नीट्यूड भी सेम है, सेम नेचर यानी कि नेचर भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो अगर ऐसा हो तो स्टूडेंट्स हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है वी इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर। जैसा कि हम जानते हैं कि इस फॉर्मूला में ये जो हमारे पास V इक्वल टू के क्यू ओवर आर है, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो अगर हमारे पास दो सेम चार्ज आ जाते हैं, लाइक हमारे पास पहले चार्ज का पोटेंशियल आ गया V1, पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा हमारे पास चार्ज आ गया पॉजिटिव, उसका भी पोटेंशियल हमारे पास पॉजिटिव आएगा। अगर हम टोटल पोटेंशियल निकाल लें V1 प्लस V2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2KQ/R। ये तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि दो सेम चार्जेस अगर हमारे पास हो तो उनका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मैक्सिमम होगा। वो पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं करेंगे, उनके दरमियान कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हम कर लें कि हमारे पास अगर चार्जेस जो है उनकी नेचर हम डिफरेंट कर दें, डिफरेंट चार्जेस, और डिफरेंट चार्जेस से क्या मुराद है, नेचर डिफरेंट कर दें बट मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड, नेचर डिफरेंट कर दी लेकिन मैग्नीट्यूड स्टिल सेम है, तो हमारे पास यहां क्या होगा, अगर पहले चार्ज का हम पोटेंशियल लिख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस के क्यू ओवर आर, अगर दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो माइनस के क्यू ओवर आर, अगर हम नेट पोटेंशियल निकालते हैं तो V1 प्लस V2 अगर किया जाए तो आंसर आ जाएगा जीरो। इस सिचुएशन में कि जब बच्चों हमारे पास दोनों चार्जेस जो हैं सेम मैग्नीट्यूड के हों और नेचर इनकी ऑपोजिट हो, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो उन दोनों चार्जेस के दरमियान हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, उसके जीरो होने के चांसेस होंगे। बट अभी हमारे इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है कि चार्जेस टोटली डिफरेंट हैं, उनकी नेचर भी डिफरेंट है और उनके मैग्नीट्यूड्स भी डिफरेंट है, तो चले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम दो चार्जेस कंसिडर कर लेते हैं। एक चार्ज हम कंसिडर कर लेते हैं Q1 इक्वल्स टू 4 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं Q2 इक्वल्स टू विद नेगेटिव नेचर -9 माइक्रोकूलम। इन दोनों के दरमियान एक स्पेसिफिक कोई डिस्टेंस भी हम कंसीडर कर लेते हैं एंड द डिस्टेंस L इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर सपोज करें कि हमने कंसीडर कर लिया।
अब इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा, हर इंडिविजुअल के लिए डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है, Q1 का अलग डिस्टेंस होगा, Q2 का अलग डिस्टेंस होगा। तो इसको फाइंड कैसे करना है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। हमने अगर फाइंड करना है डिस्टेंस x कि जहां पोटेंशियल जीरो होता है, तो हमने क्या करना है, k और q का प्रोडक्ट ले लेना है। जिस चार्ज की वजह से हमने देखना है कि पोटेंशियल जीरो हो रहा है, उसका प्रोडक्ट हमने k से ले लेना है, बट k इज अननोन। तो स्टूडेंट, यहां k फाइंड करने का भी एक ट्रिक है। k हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, k इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस इन बिटवीन चार्जेस, जो दोनों चार्जेस के दरमियान आपको डिस्टेंस गिवन किया गया है, वो डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस q1 प्लस q2। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं k को। सो हमारी जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक अगर हम चलें, तो हम क्या करेंगे, k इक्वल्स टू, हमें L की वैल्यू दी गई है 26 डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड्स का सम हमने करना है 4 प्लस 9। अगर हम इन दोनों का सम ले लें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाती है 26 बाय 13, और K की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से हमारे पास 2। अब हमने यहां पर निकाल ली K की वैल्यू भी विद यूनिट्स, आगे जो भी यूनिट्स हैं इसकी यूनिट्स आप लगा सकते हैं, यूनिट्स लगा दें इसकी। अब हमने K भी फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस। तो अब हम उसी क्वेश्चन का यूज करेंगे, नाउ x इक्वल्स टू, अगर मैं x1 कह दूं, क्योंकि पहले चार्ज की मैं पोजीशन देखना चाहता हूं कहां उसका पोटेंशियल जीरो होगा, तो KQ1 एंड K की वैल्यू 2 है, Q1 हमारे पास स्टूडेंट्स 4 है, तो मैं लिख सकता हूं x1 इक्वल्स टू 4 × 2 8 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गया वो पहला डिस्टेंस जो कि Q1 चार्ज का है, यानी कि Q1 चार्ज अपने यहां करीब 8 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जीरो कर लेगा। बच्चों, इसी तरह से इस फॉर्मूला को यूज करते हुए X2 भी निकाला जा सकता है। एक तो ये टेक्निक हो गई कि आप सेम फॉर्मूला यूज करते हुए उस चार्ज के लिए पॉइंट फाइंड कर लें कि उसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां जीरो करना है या उसको पोटेंशियल कहां जीरो होगा। एंड द सेकंड टेक्निक इज कि टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है, टोटल डिस्टेंस में से आपका जो पहला डिस्टेंस आ चुका उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लें, तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले फॉर्मूला से ऑब्जर्व करते हैं X2 को, KQ2 2 × 9 एंड 9 × 2 18 सेंटीमीटर X2। ये बच्चों आ चुका है हमारे पास दूसरे चार्ज का वो डिस्टेंस इस साइड से कि जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो रहा है। अब हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आप 26 में से 8 माइनस करें तो भी 18 ही आता है। अब वेरीफाई करना है कि आंसर सही है या नहीं है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स को, दोनों डिस्टेंस को ऐड करने, 18 प्लस 8, आपने देखना कि क्या टोटल डिस्टेंस के बराबर है। तो हाँ, आप देख रहे हैं कि हमारे पास 18 प्लस 8 इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमने ट्रिक अप्लाई की है दैट इज करेक्ट, और इससे जो हमारा आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने फॉर्मूला के जरिए जो डिस्टेंस x1 निकाला 8, वो बिल्कुल सही है, और दूसरे चार्ज का पोटेंशियल जहां जीरो हो रहा है x2, वो 18 सेंटीमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स, जब भी कभी आपको नेक्स्ट टाइम अगर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए कहा जाए कि पोटेंशियल कहां जीरो होगा इन बिटवीन डिफरेंट चार्जेस, तो आप इस टेक्निक का, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स आप अपना आंसर निकाल सकते हैं।